सेगावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रदेश अध्यक्ष सलभ भदौरिया ने आगर जिले के अधिमान्य पत्रकार नजीर अहमद को संघ का प्रदेश सचिव मनोनीत किया। नजीर के मनोनय से पूरे जिले में खुशी की लहर छा गई और समाज संस्थाओं के साथ ही पत्रकार संगठन के माध्यम से नजीर अहमद का जगह जगह सम्मान किया जा रहा है। आगर सहित आसपास के कस्बों में कई बैनर तले सम्मान किया जा रहा है। बड़ौदा में जन जागृति मंच आगर में कांग्रेस अजा वर्ग और NSUI प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े सहित नीलगर रंगरेज समाज द्वारा शहीद शेख के मकान पर साफा बांधकर पुष्पमाला से स्वागत सम्मान किया गया। सम्मान समारोह के बाद सभी ने भोजन किया, जहां हाजी फखरुद्दीन पूर्व पार्षद की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में यासीन शेख, रही शेख, प्रेस क्लब अध्यक्ष बालकिशन जैन, डॉक्टर जमील खान, गबू खान, मुबारक खान सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। देखिए, ये मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, ये मेरा जो काम है, मैं जो जनता के लिए काम करता हूँ एक पत्रकार होने के नाते, ये उसका सम्मान हो रहा है और खास तौर से सम्मान हो रहा है मेरे संगठन का, जो मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संगठन है, जिसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्मानित सलभ भदौरिया जी, जिन्होंने मुझे मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का प्रदेश का सचिव बनाया है इस छोटे से आगर से। और साथ ही आज जो जगह जगह मेरा सम्मान हो रहा है गांव में या शहर में, आपने कहा, ये सम्मान इसलिए हो रहा है कि मैं जो है पत्रकारिता के साथ साथ उन लोगों के काम में भी आगे आता हूँ। और आज जो मेरा समाज रंगरेज मिलकर समाज है, जिनने आज बड़े स्तर पर यहाँ इकट्ठे होकर और मेरा सम्मान किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मेरा यहाँ पर सम्मान किया। और साथ ही साथ मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष सलभ भदौरिया जी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे प्रदेश का दायित्व सौंपा। मैं इस सचिव के पद पर रहते हुए इस संगठन के लिए तहसील, जिला, प्रदेश, हर जगह इस संगठन को सक्रिय करने के लिए काम करूंगा। और वैसे मैं बरसों से इस संगठन से जुड़ा हुआ हूं, यही एक ऐसा संगठन है मध्य प्रदेश के अंदर जो पत्रकारों के हितों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता है। और हमारे जाबाज प्रदेश अध्यक्ष सलभ भदौरिया जी हमेशा पत्रकारों के लिए